तो हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा, हिंदी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप MIUI 9 ऑफिशियली स्टेबल रोम कैसे अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखना, और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ में आपके लाता रहता हूँ ऐसे लेटेस्ट वीडियो। आपको मैं बता दूं कि कैसे आपको सब्सक्राइब करना है, तो आप मेरे चैनल पर चले जाइए। सब चैनल पर चलने के बाद आपको यहाँ पे घंटा दिखेगा, सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप मेरे इस वीडियो पे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा दो, यहाँ पे अगर आप वीडियो पे हैं मेरे, आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे भी आपको सब्सक्राइब का बटन मिलता है, सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे घंटे को क्लिक कर दीजिए। इससे आपको ये फायदा होगा कि जो भी मैं वीडियो नहीं डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आते हैं वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग्स में। ये सिंपल वे से आपको जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको आना है अबाउट फोन में, और आप ये MIUI 8 है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप MIUI 8 में हैं। अगर आप MIUI 9 इंस्टॉल किया अपने Redmi Note 4 में और आप डेवलपर में, तो आपको पहले तो जाना होगा स्टेबल में MIUI 8 के, फिर आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा, फिर अपडेट मिलेगा तो आप वहाँ से आ सकते हैं MIUI 9 के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टम अपडेट्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मुझे सिस्टम अपडेट्स आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लीजिए कि MIUI 9 है, लेकिन आप भी कहेंगे कि नाइटली अपडेट है, नाइटली अपडेट में मुझे 266 MB का आया हुआ है, लेकिन ये लाइटनिंग फास्ट MIUI 9 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे कितने सारे इंप्रूवमेंट्स आए हैं, बहुत सारे फीचर्स इसमें आए हैं। जैसे कि मैंने आपको इस अगली वीडियो में इस चैनल पे मैंने इसके पहले भी एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे फीचर्स के बारे में बताया था। वो सारे फीचर्स इसमें मिले हैं, और बहुत सारे फीचर्स नहीं मिले हैं लेकिन आपको आगे मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है, मुझे डाउनलोड करने को ज़्यादा समय नहीं लगे, मैंने डाउनलोड कर लिया, और यहाँ पे अभी बस आपको रिबूट करना है। अगर आप बाद में करना चाहते हैं अपडेट, तो बाद में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा मैसेज नहीं आता है और नहीं होता है आपका, तो आपको जाना है en.miui.com में। अगर आप मैं आपको Redmi Note 4 के पेज का लिंक दे दूंगा, मैं आपको वहाँ पे अपना डिवाइस सिलेक्ट करना है और आपको जाना है स्टेबल रोम में, तो आपको MIUI 9 का मिल जाएगा, और वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपने अपडेटर ऐप में जाना है। अपडेटर ऐप में यहाँ पे आपको जाना है, और यहाँ पे आपको जो थ्री डॉट्स लिखे हैं वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपडेट क्यों मुझे आ रहा है, यहाँ पे चूज पैकेज पे क्लिक करना है, पैकेज को अपने सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ये बहुत ही आसान है, जो आपका फाइल डाउनलोड होगा वो डाउनलोड फोल्डर में होगा, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और करने के बाद वो डिक्रिप्ट होगा और फिर वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए, हमें नोटिफिकेशन आया हुआ है तो हम यहाँ से अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपडेट हो जाएगा, और कम से कम अपनी चार्जिंग मैक्सिमम 70% रखिए, और 30% के ऊपर होना चाहिए, इसे टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ इसको, और अपडेट करने के बाद रिबूट नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रिबूट नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया हूँ। हे गाइस, मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादा समय नहीं लगे, 7:10 को कम्प्लीट हो गया था। यहाँ पे आपको दिखा रहा है 7:03 PM, तो अराउंड इतने टाइम लगे, लेकिन कम से कम 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MIUI मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर अबाउट फोन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको MIUI 9 दिख रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देख लिया MIUI 9 मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे इसके फीचर्स भी, जैसे कि स्प्लिट स्क्रीन का फीचर्स है, और यहाँ पे आप स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप स्पीड में जाए तो कुछ आपको नया नया लुक दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक अलग सा थीम बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको जाना है थीम ऐप में, और यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे जो नीचे आपको बॉक्स बना है यहाँ पे आपको नीचे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको थीम में जाना है। तो यहाँ पे आपको अलग सा थीम मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये डिफॉल्ट थीम है, और ये जो MIUI का ये थीम मुझे बेटर लगा, ये बहुत अच्छा थीम है। मैंने भी इसे यूज़ किया मैं Redmi Note 3 में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, मैंने दूसरे चैनल पे मैंने बनाया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, और फ्रेंड्स मेरे इस चैनल के साथ भी आप बन सकते हैं। यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे मैं अप्लाई होने के बाद ये अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे ये बहुत अच्छा लगता है ये लुक मुझे, और भी बहुत सारे फीचर्स है। अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा, फीचर्स बनाकर फीचर्स की एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, जाइए अपने फ़ोन में, अभी तक आपको आ जाएगा वो, आज जाके आप MIUI 9 इंस्टॉल कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, 253 कुछ MB की फाइल्स है, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। दोस्तों, बताइए मुझे कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और बताइए मुझे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस वीडियो में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है MIUI 9 इंस्टॉल करने में, तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। तो मिलते हैं अगले और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।